अनुजैन से आप 10 ऐप अभी फोन लाइन पर सवाल ले लेते हैं। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाले सलाम। अरे मैं माँ से बात हो रही है। हेलो। हाँ जी हाँ हेलो, आज से बात हो रही मैम। जी हकीम साहब सुन रहे हैं आपको, सवाल बताती जाइए। हाँ मैम, पहले बात तो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। आप बहुत अच्छे हैं क्या? आपको ऊपर वाला सलामत रखे, ऐसे ही बनाए रखे, और आपकी मुस्कुराहट हमेशा ऐसी बनी रहे। बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह। हाँ अल्लाह आपको भी हाँ हमेशा सेहतमंद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। जी हाँ फरमाइए। आपको भी अच्छा रखे। और आमीन। है ना, हाँ हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे मेरे है ना हकीम साहब, मेरे बाल बहुत खिरते हैं। मैं सालों से लगा रही हूँ आपको फोन, लेकिन आज मिल गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरे। हाँ सर, मैं बहुत आपको बहुत लगाना चाहती हूँ फोन, लेकिन आज लगा। मेरे बहुत अच्छे नसीब है, आज आपसे बात हो रही है मेरी। और कोई भी सवाल हो तो बता दीजिए। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 40 साल उम्र है सर, और है ना मेरे बाल बहुत झड़ते हैं क्या, ठीक और आगे आगे बिल्कुल गंजी हो चुकी हूँ। ठीक है ठीक है। अल्लाह का एहसान। जो बात हो रही है, कोई और कॉल है तो ले लीजिए। बिल्कुल हकीम साहब, हमारे पास सवालात नहीं, कॉल तो फिलहाल नहीं है, सवालात हैं। इनके सवाल के बाद उधर आएंगे। बाल इस उम्र में थोड़े से गिरने लगते हैं, शैम्पू इस्तेमाल करते हैं तो रोक दें। शैम्पू लें तो ऐसा लें जो सोडा कास्टिक से पाक हो। सोडा कास्टिक तो हाथों को भी काट देती है और बालों को भी तोड़ देती है, तो सोडा कास्टिक से पाक शैम्पू लें अगर इस्तेमाल करें, वरना तर्क कर दें। मामूली साबुन से सर धोया करें मेरी तरह। और याद रखें कि एक रॉ मटेरियल है जिसे गौन मोरिंगा सफ़ेद कहते हैं। असली खरीदने, नकली बहुत सारे मिलते हैं। आधा ग्राम या 1 ग्राम रोज़ाना पानी में मिलाकर दूध में के साथ या नारियल पानी के साथ लिया करें। अपने हस्बे हैसियत बाल ऐसे जैसे मेरे बाल बुढ़ापे में भी, आप तो मुझसे बहुत छोटी हैं, रोज़ 1 ग्राम ले लिया करिए। किसी भी तरह पानी के साथ, दूध के साथ, या हैसियतदार है तो नारियल पानी के साथ। खूब बाल होते हैं, बुढ़ापे तक में रहते हैं, ये इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जी, एक अहम सवाल जरी का है हकीम साहब। उन्होंने अपने शौहर के बारे में भी दरियाफ़्त किया था, और ख़ुद अपने बारे में भी उन्होंने कहा है। डायबिटीज़ है, बीपी है, वो गोंद मोरिंगा, जैतून का नमक, इन तमाम चीज़ें इस्तेमाल कर सकती हैं। शौहर के लिए उन्होंने गोंद सिया मंगवाया है, गोंद चिलगोज़ा इस्तेमाल करने के बारे में पूछ रही हैं, क्या करें? हाँ, गोंद चिलगोजा एक ही बार इस्तेमाल होता है 24 घंटे में, बस एक चुटकी। ये बहुत तेज़ गोंद है तो एक चुटकी से ज़्यादा इस्तेमाल न करें। और गोंद मोरिंगा 1 ग्राम से ज़्यादा एक दिन में इस्तेमाल न करें। और आपके शौहर को फ़ायदा है तो लगातार देते रहें, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके शौहर भी। इसी तरह इस्तेमाल करना है, इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। जी, मोहम्मद अहमद साहब ने सवाल किया था कि नाफ टल जाने की परेशानी है उनको, तो क्या करें वो? जिनको नाफ उतर जाती है तो बड़ा बहुत मरोड़ सा होता है, ऐसे ऐंठन सी होती है, फिर लटीन आती है बार बार। वो लोग एक तो वज़न उठाना छोड़ दें और ऐसे सीधे खड़े हो जाएं, अपने पैर भी बराबर बराबर रख लें और घुटने भी मिला लें, खड़े हो जाएं और बगैर घुटने मोड़े अपने पैर छूने की कोशिश करें बार बार, दिन में 5-6 बार। तो इस अमल से नाफ अपनी जगह आ जाती है। वजन उठाने के परहेज के साथ आप ये अमल करें तो बगैर दवा के भी अच्छे हो सकते हैं। जी, कर्नाटक से सलमा साहब, फरमाइए बहन, क्या सवाल है आपका? हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाले सलाम। मेरा हकीम साहब, मेरे आज दो सवाल हैं। एक मेरे शौहर के लिए है। पहला सवाल, वो मेरे शौहर को पेट पेट में उनकी जो मतलब डाइजेशन जो है उनका, वो बहुत धीमा है। क्या क्या है वो बिना मतलब रात में चून खाए या कोई चीज, उनका पेट सुबह सुबह मतलब साफ नहीं हो पाता है। उनको पूरा कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, दिक्कत रहता है हमेशा। कुछ ना कुछ तरह तरह की चीजें वो रात में खा के सोएंगे या वो करेंगे, करती सुबह के टाइम उनका कुछ पेट साफ हो पाता है। उम्र कॉन्स्टिपेशन उम्र की बता मतलब दीजिए। दिक्कत है। उनकी उम्र है 31।
अरे बहुत छोटे उम्र में, ठीक है। देखिए एक नुस्खा बड़ा मशहूर, बहुत प्रचलित, बहुत मकबूल है, जो मेरे जरिए लोगों तक पहुंचा, अच्छा काम करता है। आपके किचन की 6 चीज़ें हैं और एक चीज़ बाहर की, आप लिख लें। सौंफ 100 ग्राम, सौंठ 100 ग्राम, सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, 6 चीज़ें, मेथी का दाना। सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी को पाउडर बना लें 100-100 ग्राम लेकर, और इसका 1 चम्मच भर के खाना है सुबह को। खाने से पहले खाएं तो बहुत अच्छा, नहीं तो बाद में भी खा सकते हैं। और एक चीज़ आती है नमक जैतून, वो ख़रीद लें 1 चुटकी, 2 गिलास पानी में मिलाकर नमक जैतून, इस पानी से खाना है दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, खाने से पहले और खाने के बाद दोनों तरह से ले सकते हैं। तो ये सिस्टम अच्छा करता है, पेट का निज़ाम दुरुस्त करता है, ये देंगे तो फ़ायदा होना मुमकिन है जी। महाराष्ट्र से फातिमा साहबा, बताइए बहन क्या सवाल है आपका। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, देखिए हमारी उम्र 37 साल है और हमें 30 जनवरी 2021 को डायबिटीज भी डिटेक्ट हुआ था और पूरे शरीर में जलन, सर से लेके पांव तक जलन है और हम उसका आयुर्वेदिक इलाज भी करा रहे हैं मगर पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पा रही है। वो ख़त्म होगा या नहीं इसका मुकम्मल इलाज हम हकीम साहब से जानना चाहते हैं। और 3-4 साल से हमें खुजली की भी शिकायत है, पूरे शरीर में खुजली है, दांत आ जाते हैं, तो इसके बारे में हमें जानना था। बेहतर। अच्छा देखिए, कलौंजी का सिरका 3 चम्मच, छोटे चाय के चम्मच, कलौंजी का सिरका 3 चम्मच लें, असली लेना सिरका, नकली भी आते हैं बहुत, वो 1 गिलास पानी में डाल दें और उस गिलास में 1 चुटकी खाने का सोडा डाल दें और ये पी लिया करें दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा। खाने के बाद पीना बेहतर है, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। हैदराबाद से ज़ेबा साहबा, फरमाइए बहन क्या सवाल है आपका। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी, मुझे हकीम सुलेमान से बात करनी है। जी बात हो रही है, बताइए क्या सवाल है आपका। जी मुझे ना हेयर फॉल की बहुत प्रॉब्लम हो रही है 4 साल से लगातार, बीच में कभी रुक जाता है हेयर फॉल, फिर कभी शुरू हुआ तो इतना ज्यादा होता है। अब तो मैं स्टडी कर रही हूँ, इस वजह से भी शायद हेयर फॉल रुक नहीं रहा मेरा, मतलब सर में ऐसा स्किन दिख रही मेरे को साइड से, फोरहेड पे बहुत ज्यादा हेयर फॉल होने की वजह से, और मेरे चेहरे पे भी ना बाल उभर रहे हैं, मतलब ज्यादा हो गए हैं बाल, पहले से थे लेकिन अब ज्यादा बढ़े, और डबल चिन का भी प्रॉब्लम हो गया मेरे को अचानक से, पहले तो ऐसा कुछ नहीं था मेरे, लेकिन अब तो ये सिर्फ फेस पर ही पैच बढ़ रहा है, डबल चिन की प्रॉब्लम हो रही है मुझे उस वजह से। थायराइड का टेस्ट करवाया है आपने? जी नहीं। जी बाकी तो हकीम साहब बताएंगे। जी हकीम साहब। हाँ मुमकिन है तो आप टेस्ट करा लें थायराइड का, इस उम्र में, स्टडी की उम्र में ये सारी चीज़ें होनी नहीं चाहिए, कभी ये हमारे हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ये टेस्ट करा लें अगर तो बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए बालों को तो सबसे पहले अगर आपको बचाना है तो आप बच्चों को आजकल शैम्पू का बड़ा क्रेज़ है, मगर शैम्पू को नहाते ही नहीं, उससे बाल एकदम खुल के ऐसे बिखरे बिखरे और पुरकशिश लगते हैं, लेकिन ये बालों का दुश्मन है। मैंने तो 50 साल तक शैम्पू ही यूज़ नहीं किया था कभी, मुझे पता भी नहीं था इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, और एक बार मेरा घर में ही वो पड़ा था शैम्पू, तो मुझे साबुन नहीं मिला तो मैंने शैम्पू से धो लिया तो बाल बड़े अच्छे लगे। वो बाल अच्छे तो लगे लेकिन अब मैं जितना भी पड़ा था मैंने सबको यूज़ कर लिया, तो मैंने देखा मेरे बाल बहुत गिरने लगे, जब से मुझे पता चला कि शैम्पू बहुत नुकसानदेह है, तो शैम्पू
मैं सोडा कास्टिक अगर है तो इस्तेमाल ना करें, इसके बगैर भी आते हैं तो इससे भी बाल अच्छे हो सकते हैं। फिर गौन मोरिंगा सफ़ेद ले सकते हैं 1 ग्राम रोज़ाना, इससे भी बाल बहुत अच्छे हो सकते हैं। असली लें, बस जो भी लें आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, चेहरे पर जो रुएं या छोटे छोटे बाल उग गए हैं उनसे निजात कैसे मुमकिन है? वैसे तो इस उम्र में अच्छा लगता है, बच्चे बच्चियाँ के थोड़े से रोए नज़र आ रहे हैं तो वो उम्र के साथ अपना आप भी खराब ठीक हो जाते हैं। अगर कोई हार्मोनल डिजीज ना हो तो वो अपना आप फिर ख़त्म भी हो जाते हैं। जब शबाब आता है बच्चियों पर या बच्चों पर तो ऐसे रेखें निकलती हैं मामूली मामूली, और फिर वो अपना आप बांध पड़ जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। और अगर कोई हार्मोनल डिजीज है या कुछ और है तो उसका टेस्ट मैंने कराने को बोला है, अगर वो कराएंगे तो फ़ायदा मुमकिन है। एक मसला और है हकीम साहब, जैसे उन्होंने कहा डबल चिन का प्रॉब्लम है, यानी कि हो सकता है चेहरा जो है वो थोड़ा फरबा हो गया है वज़न की ज़्यादती की वजह से, उससे निजात कैसे मुमकिन हो? हाँ देखिए, जब हेल्थ बढ़ती है तो लगता तो यही है कि ये इनको हेल्थ बढ़ रही है। हाँ। और उसमें चर्बी वाली चीज़ें ना लें, कुछ मशक्क़त भी करें, पैदल चलें, गर्म पानी पिएं 4-5 बार खूब गर्म गर्म, और पैदल चलें, रस्सी कूदें, मशक्क़त होनी चाहिए। फिर भी अगर नहीं जाता तो फिर आप ये कर सकते हैं कि ज़ीरे का सिरका आता है, विनेगर ज़ीरे का, वो 2-2 चम्मच लिया करें, तो ये आपके जिस्म की चर्बी और डबल चिन को ज़रूरत के मुताबिक ला सकता है। जी, वर्जिश के साथ हकीम साहब, या इन तमाम चीज़ों के साथ जो आपने भी एहतियात बताई, डाइट प्लान अगर हम जानना चाहें ऐसे बच्चों के लिए, ख़ासतौर पर ये जो एज होती है इसमें हर चीज़ बड़ी तेज़ी से, वज़न भी अगर बढ़ता है तो तेज़ी से बढ़ता है, तो क्या हो उनकी डाइट प्लान? देखिए, वो डाइट तो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मुझे जब तजर्बा हुआ, मैं भी इतना मोटा होता जा रहा था, दिन भर बैठा रहता हूँ प्रोग्राम्स में, तो मैंने ये किया कि अगर मैं ही मोटा हो जाऊँगा, मेरे पर ज़्यादा वज़न होगा तो लोग मुझे देखते हैं, तो क्या करूँ ऐसा, तो दवाई लूँ या डाइट प्लान करूँ। डाइट प्लान में मैंने ये किया कि सुबह को 1 कटोरी दाल खा ली या पी ली, दोपहर को 1 सेब खा लिया या कोई फल खा लिया, रात के वक्त थोड़ा सा खाना, जितनी खुराक थी उससे आधा। अब यकीन करें, बगैर किसी दवा के रोज़ाना 50-100 ग्राम वज़न कम हुआ। जब जब मैंने ये किया और जब चाहे जितना चाहा वज़न मैंने अपना कंट्रोल किया, आप भी ऐसा कर सकते हैं। जी जी, ज़री साहब फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, मेरे को हकीम साहब से 2-3 डाउट्स पूछने थे। मेरे को शुगर है जी, और बीपी और ये भी है समझे, मगर मैं अभी जैतून का सिरका ले रही हूँ, उसके साथ में ये भी ले सकते क्या, गौन मोरिंगा और जैतून का नमक? ठीक है, कुछ फायदा है जरीन आपको? जी हाँ, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फायदा है मेरे को, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक बात पूछना था मेरे को। हाँ जी, कहिए जी। हमारे शौहर है ना, गौन सिया ले रहे हैं, उनको घुटने का दर्द है, उनको भी बहुत फायदा हुआ, उसके साथ उन्होंने गौन मोरिंगा और जैतून का नमक और गौन चिलगोजा ले सकते क्या? ठीक है, चिलगोजा एक ही बार इस्तेमाल होता है 24 घंटे में, बस एक चुटकी, ये बहुत तेज गौन है तो एक चुटकी से ज्यादा इस्तेमाल न करें, और गौन मोरिंगा 1 ग्राम से ज़्यादा एक दिन में इस्तेमाल ना करें, और आपके शौहर को फ़ायदा है तो लगातार देते रहें, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके शौहर भी, इसी तरह इस्तेमाल करना है, इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है।